हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इवन एंड ओड नंबर्स कि ये होता क्या है। तो फर्स्ट हमारा है इवन नंबर। देखते हैं कि ये कैसे हम पहचानते हैं कि कौन सा नंबर इवन है। तो नंबर्स विद 0, 2, 4, 6 और 8 इन द वंस प्लेस आर इवन नंबर्स। एग्जांपल 10, 12, 24, 36, 48 और एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि हम हमेशा वंस प्लेस पे देखते हैं कि वंस प्लेस पर कौन सा डिजिट दिया हुआ है। तो हमारे वंस प्लेस पे कौन सा है डिजिट, देखिए जैसे इसमें 0 दिया गया है तो यहाँ पर 0 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स कि हम जो है 2 का टेबल पढ़ते हैं। 2 का टेबल केवल हमको 4 या 5 तक पढ़ेंगे तो हमें यहाँ का जो है 2 के टेबल में अगर 2 1 जै 2 अगर यहाँ पे होता है या 0 होता है या 2 2 जै 4 या 2 3 जै 6 या 2 4 जै 8 इस तरह से अगर यहाँ पे वंस प्लेस पर 2 का टेबल पढ़ने पे अगर कोई यहाँ पर डिजिट आता है तो वह जो है हमारा इवन नंबर होता है। नेक्स्ट है हमारा ओड नंबर। अब जानेंगे कि क्या होता है। तो नंबर्स विद 1, 3, 5, 7 और 9 इन द वंस प्लेस आर ओड नंबर्स। यानी एग्जाम्पल है 11, 23, 35, 47, 59। अब इसमें क्या है, जब हमें कोई नंबर दिया रहता है तो इसमें हम वंस प्लेस पर देखते हैं कि क्या कौन सा डिजिट दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर 1 दिया है, यहाँ 3 है, ये 5, 7, 9। लेकिन ये जो डिजिट हैं ये क्या है, ये 2 के टेबल में नहीं आते हैं। यानी 2 के टेबल में जो है 1 नहीं आता, 3 नहीं आता, 5 नहीं आता, 7 नहीं आता, 9 नहीं आता। तो जब नहीं आता है ये तो क्या हो गया, ये हमारा नंबर क्या हो गया, ओड नंबर हो गया। इस तरह से जो है ये हमारा ओड नंबर कंप्लीट होता है। केवल हमें यहाँ पर देखना है, वंस प्लेस पे ही देखना है और पहचान जाना है कि ये ओड है या इवन है। इसके बाद है वी कैन फाइंड आउट वेदर द सम ऑफ 2 नंबर्स इज इवन और ओड विदाउट एक्चुअली एडिंग द नंबर्स। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए कि ये हमारे नंबर दिए गए हैं 45 प्लस 23। अब इसके हम वंस प्लेस पे देखेंगे, इसमें वंस प्लेस पे क्या है, 5 है, और इसमें क्या है, वंस प्लेस पे 3 है। तो इसका मतलब हो गया सिंपल सा कि ये हमारा क्या है, ओड नंबर है। और इसमें क्या है, ये भी हमारा ओड नंबर है, 3 भी हमारा ओड नंबर है। तो ओड ओड को जब हम कभी ओड नंबर को जब कभी भी प्लस करते हैं तो हमारा इवन नंबर आता है। देखिए इसको ये 5 और 3 जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये 8 हो जाएगा। तो 8 हो जाएगा तो 8 क्या है, 2 के टेबल में आ रहा है, यानी कि ये हमारा इवन नंबर है। इसके बाद है हमारा 18 प्लस 22 इक्वल 40। यानी अब देखिए इसमें हम वंस प्लेस पे देखते हैं कि वंस प्लेस पे क्या है, वंस प्लेस पे हमारा 8 है, 8 भी जो है क्या है, 2 के टेबल में आ रहा है, तो ये इवन हो गया। और 2 क्या है, ये भी 2 के टेबल में आ रहा है, 2 1 जै 2, तो ये भी इवन नंबर है। लेकिन जब इवन और इवन को जब हम ऐड करते हैं तो क्या आता है, हमारा इवन नंबर ही आता है। इसको हमें याद करना होगा, थोड़ा सा इसको एक बार रटना पड़ता है कि ये होता कैसे है। तो ये और ये जब हमने ऐड किया तो क्या है, 40। तो जब हमारा आंसर 40 आ गया तो इसमें देखिए ये 0 है, 0 भी हमेशा अगर वन प्लेस पे आता है वंस प्लेस पे तो हमारा इवन ही होता है। तो ये हमारा इवन प्लस इवन क्या हो गया, इवन नंबर। इसके बाद है 49 प्लस 32। तो इसमें क्या है, देखिए ये जो है ओड नंबर है और ये जो है हमारा क्या है, इवन नंबर है। तो इसमें क्या है, इसको जब हम ओड और इवन को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा क्या आता है, ओड नंबर आता है। यानी देखिए वंस प्लेस पे हमने देखा कि यहाँ पर 1 है और 1 कहाँ पर है, 1 जो है हमारा इसमें ओड में दिया गया है। तो इसलिए हमारा ये ओड और इवन को जब कभी भी प्लस करेंगे हम नंबर को तो हमारा ओड नंबर आएगा, और इवन इवन को प्लस करेंगे तो इवन आएगा नंबर, और ओड ओड को जब हम कभी भी प्लस करेंगे तो हमारा इवन नंबर आता है। इसके बाद है स्टूडेंट्स, अब इसी बेस पर मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ जो कि आप इसको अब सॉल्व कीजिए कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए राइट इवन और ओड नंबर, अब हमको इसको पहचानना है कि ये नंबर जो है इवन है या ओड है। तो अब इसका वंस प्लेस देखिए, केवल वंस प्लेस पे हमको ध्यान देना है और कहीं हमको कुछ भी ध्यान नहीं देना है, बस वंस प्लेस पे ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पर ये 4 दिया हुआ है, तो 4 क्या है,
ये टू के, टू का टेबल पढ़िए एक बार, टू के टेबल में जब आप पढ़ेंगे तो टू टू ज़ा फोर, यानी इसका मतलब है यहाँ पर ये हम क्या लिखेंगे, ये इवन नंबर है हमारा। ओके, कंफर्म हो गया आपको। नेक्स्ट है हमारा, देखिए ये हमारा थ्री नंबर के, ये मतलब देखिए ये नंबर थ्री डिजिट का जो है ये हमारा पूरा नंबर है 457, और इसको हमको केवल वन प्लेस को देखना है, ज़्यादा हमको कुछ नहीं देखना है, बस वन प्लेस को देखिए आप। सेवन, अब सेवन देखिए टू के टेबल में आता है या नहीं आता है, तो टेबल में जो है टू के टेबल में सेवन नहीं आएगा, तो जब सेवन नहीं आएगा तो ये वेरी सिंपल, ये हो गया हमारा ओड नंबर। इसके बाद है देखिए 600 दिया है, तो 600 में क्या है, ये वंस प्लेस पर क्या है, जीरो है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर जीरो आता है तो वो भी हमारा क्या होता है, इवन नंबर ही होता है। इसके बाद है हमारा देखिए फोर डिजिट में हमारा ये नंबर दिया गया है, लेकिन इसका भी हम वंस प्लेस ही देखेंगे, क्या है वंस प्लेस पर, टू है, तो टू है तो टू तो आपको पता ही है कि टू के टू के वन जा टू, तो ये क्या है, इवन नंबर हो गया ये इस तरह से। इसके बाद है हमारा यहाँ देखिए वंस प्लेस पे क्या है, फाइव है, तो फाइव जब है तो ये हमारा क्या है, ये टू के टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब ये हमारा ओड नंबर है। इसके बाद है स्टूडेंट्स, राइट वेदर द सम इज़ इवन और ओड विदाउट एक्चुअली एडिंग। अब इसको देखिए हमको ऐड करके ये बताना है कि ये जो नंबर है ये क्या है, प्लस करने पर ओड है या इवन नंबर है। तो इसका हमको, मैंने क्या इसके पहले आप लोगों को बताया था कि जब इवन और इवन को जब ऐड करते हैं तो हमारा इवन ही नंबर आता है। तो देखिए फोर, इसका भी वन प्लेस देखेंगे और इसमें भी वन प्लेस देखेंगे। सिक्स और फोर जो है हमारा कितना होता है, टेन होता है, तो टेन में अब जैसे यहाँ पर टेन हुआ तो ये टेन का जो वन प्लेस क्या है, जीरो है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जीरो अगर है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, वेरी सिंपल, ये हो जाएगा हमारा इवन नंबर। इसके बाद है इसमें भी हम ऐसे ही देखेंगे, ये वन प्लेस को देखेंगे और इसमें वन प्लेस को देखेंगे, ये दोनों ही हमारा ओड है। देखिए यहाँ पर भी थ्री है और यहाँ पर फाइव है, तो ये जो है टू के टेबल में नहीं आता है, यानी दोनों, ये भी ओड नंबर है हमारा, ये भी ओड नंबर है, तो फाइव और थ्री कितना हुआ, एट हुआ। तो ओड ओड जो है मिलकर क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था कि ओड ओड मिलकर इवन नंबर होता है। तो ये एट जो है हमारा, जब हम पढ़ेंगे टू का टेबल तो उसमें एट आ जाता है, तो ये हमारा हो गया इवन नंबर इस तरह से। इसके बाद है हमारा देखिए वन, ये वन क्या है, वन जो है हमारा ओड नंबर है, और सिक्स क्या है, इवन नंबर है। तो ओड और इवन जब हम प्लस करते हैं तो हमारा क्या आता है, तब जब ओड और इवन को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा ओड नंबर आएगा, जैसे सिक्स और वन, इसको हम प्लस करें तो क्या हुआ, ये सेवन आ गया। तो ओड और इवन जब हमने प्लस किया तो ये हमारा सेवन आया, इसका मतलब कि ये जो है हमारा क्या हो गया, ये ओड नंबर हो गया। इस तरह से ये मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके अब बता दिए। अब मुझे लग रहा है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से इवन और ओड समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव